कई लोगों का रिक्वेस्ट अभी भी आ रहा है हमारे यहाँ सर। हमारी टीम से एक पीयूष का नाम था जो हम न्यूज पेपर बैड में और भावना का था, इनको सैकड़ों हजारों फोन आए हैं और अभी भी फोन आ रहे हैं कि हमारा तो मिस हो गया, हमारे लिए अब अगला कुछ एक साल के बाद तो कुछ पहले ही कुछ करें। तो सर आप अगर अच्छा समझेंगे तो मे भी हमें कुछ मिनी क्विज या इस तरह का कार्यक्रम हर महीने या 2 महीने के बाद एक अंतराल में रेगुलर तौर पे करते रहेंगे, या तो क्विज हो या कुछ पजल हो, इस तरह का क्रिएटिव चीजों को लेकर के हम आगे आएंगे। और तो इसके साथ सर मैं अब आपकी अनुमति से आपसे अनुरोध करूंगा कि जो हमने एक स्पेशल पोस्टर और फोल्डर्स वेटलैंड के ऊपर बनाया है उसे रिलीज करने का कष्ट करें। ये सर 6 वेटलैंड हैं जो रामसर साइट में है उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर हमने स्पेशल रखा है कि वो इसको हम प्रचारित करेंगे। वेटलैंड के ऊपर लोगों में जिज्ञासा बढ़ेगी, संरक्षण के प्रति उत्सुकता बढ़ेगी, उसके लिए हमें खड़े होना पड़ेगा। सर इसी के साथ बोर्डर्स भी हैं सब कुछ अलग अलग वेटलैंड के लिए। गंगा अच्छा हमारे लिए गिफ्ट गिफ्ट के काम भी करते हैं, गेस्ट आते हैं। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर, जैसे हमने गंगा कोष की चर्चा की, अब इस गंगा कोष में हमें कैसे लोगों का सहयोग मिला और क्या रहा, इसके ऊपर एक छोटी सी मूवी है, शॉर्ट फिल्म है, और उसके बाद उसके ऊपर हम प्रेजेंटेशन कराएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा कि इस गंगा कोष के ऊपर एक छोटी फिल्म को शुरू करें। गंगा हमारे लिए अनमोल है। जल शक्ति मंत्रालय की जाति से नमामि गंगे और नमस्कार मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माँ गंगा के निर्मलता एवं अविरलता के लिए एक मिशन के रूप में चल रहे नमामि गंगे कार्यक्रम की सफलता की चर्चा अब देश और विदेश में सभी लोग करने लगे, लेकिन इस सफलता का आधार जन जन की भागीदारी ही है। नमामि गंगे मिशन और ट्री ट्रेस फाउंडेशन गंगा क्वेस्ट के माध्यम से हमारे देश के युवाओं को जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। कई मशहूर हस्तियों ने भी इसमें भाग लिया और लोगों को इसमें भाग लेने को प्रेरित किया। हिंदुस्तान की इस खूबसूरत और सबसे बड़ी नदी गंगा के बारे में शायद हम सब नहीं जानते, पर गंगा पर गंगा के बारे में हम जानते हैं। आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, पार्टिसिपेट कीजिए ना गंगा क्वेस्ट 2020। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि एनसीजी तथा ट्री क्वेस्ट फाउंडेशन मिलकर एक गंगा क्वेस्ट नाम के ऑनलाइन क्विज का आरंभ किया है जो 22 अप्रैल से चल रहा है। कॉलेज बंद है, बच्चे घर में हैं, लॉकडाउन की स्थिति है और उसमें एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ग्रुप को हम लेके आए हैं। गंगा क्वेस्ट का उद्देश्य है अधिक से अधिक युवाओं को नमामि गंगे परियोजना से जोड़ना एवं इसी प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना। इसकी पॉपुलैरिटी देखते हुए सोशल मीडिया पर क्विज के खिलाड़ी दौड़ के कैंपेन लॉन्च किया गया जिसमें प्रतिभागियों ने
राउंड वन, राउंड टू एंड राउंड थ्री के डिटेल्स आई हैव ऑलरेडी गिवन. इसमें जो हमने फीडबैक मैकेनिज्म रखा है, जिसको हम बोलते हैं कि हम उनके साथ इनडायरेक्टली हम उनके साथ बता रहे हैं कि भाई आपने ये गलत उत्तर दिया, इसमें इस उत्तर इस प्रश्न से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है, इसको आप जानिए और इसके बाद आप इसमें सही उत्तर दे पाएंगे. और राउंड थ्री में सर हम लोग जब भी जो भी बच्चे सबसे कम टाइम में और सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हैं वो ही इस संदर्भ क्वेश्चन के विनर होते हैं. बट इसमें मैं सभी पार्टिसिपेंट्स जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो विनर हैं या नहीं है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने कितने कम टाइम में और कितनी एक्यूरेसी में किया. आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने इसमें भाग लिया, ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी था. और आगे भी नेक्स्ट ईयर भी आएगा तो इसको आप, और अगर सर ने बोला है कि अगर हर मंथ करेंगे तो आप फिर से इसमें पार्टिसिपेट लेके आपके पास चांस है कि आप इसके विनर बन सकते हैं. नेक्स्ट में हम लोग सर इसके प्राइजेस के बारे में बताएंगे. इसमें सर टॉप थ्री इन फोर कैटेगरी, हमने हर पार्टिसिपेंट को चार कैटेगरी में बांटा है. कोई भी जो 10 साल से ऊपर है इस गंगा क्वेश्चन में पार्ट ले सकता है. और इसकी हमने जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी बनाई है वो चार कैटेगरी में बनाई है और उसी कैटेगरी में हम इसके प्राइजेस भी दे रहे हैं. तो पहली कैटेगरी है जो भी कक्षा 8 और उससे नीचे के बच्चे हैं, दूसरी कैटेगरी में कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र हैं, तीसरी कैटेगरी में 11th एंड 12th के छात्र हैं, और लास्ट कैटेगरी जो है सर वो एडल्ट्स एंड इवन सीनियर सिटीजंस. लॉट ऑफ सीनियर सिटीजंस हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस क्विज. और आगे मैं सर जब बताऊंगी कि हमारे कुछ विनर्स हैं जिनकी ऑलमोस्ट सारी फैमिली जो है अलग अलग ग्रेड से कहीं ना कहीं विनर्स बन के आए हैं. तो आई विल आल्सो, दे आर ऑल कनेक्टेड हियर सो मे बी वी कैन इंटरैक्ट विद वन ऑफ देम आल्सो. और सर ये जो हमारी टॉप थ्री की कैटेगरी है उसमें हम लोग टैबलेट दे रहे हैं. टैबलेट की स्पेसिफिकेशंस हम लोग वीडियो में दिखाएंगे. सभी जो भी कनेक्टेड है प्लीज टॉप थ्री सी व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एज अ प्राइज एंड वी विल सेंड इट टू यू एज अ कुरियर. और जो भी दिल्ली में है अगर हम लोग सबसे कनेक्ट करेंगे, जहां पे हो सके हम डिलीवर कुरियर के थ्रू करेंगे. नेक्स्ट है हमारे जो टॉप 20 हैं, तो तीन के अलावा जो नेक्स्ट 20 आते हैं जिनकी 100% एक्यूरेसी आएगा और उन्होंने सबसे कम समय में किया है, उनके लिए सर हमने एक नॉलेज किट बनाया है WII, WWF और ICN की मदद से. तो जो भी उन्होंने बच्चों के लिए स्पेसिफिक ऐसे नॉलेज मटेरियल बनाया था, इवन नमामि गंगे के जो भी हमारे ई पत्रिका है वो सब हम इसमें इंक्लूड करते हैं और उसको हम देते हैं. एक सर हमारी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है स्कूल विद मैक्सिमम पार्टिसिपेशन. इसमें GIS हाँ सर वो नेक्स्ट. इसमें सर हम लोगों का GIZ जो है, GIZ इज एक्चुअली गिविंग देम एन इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑन रिवर रिजुविनेशन. तो इस बार इन लोगों ने वर्चुअल रखा है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस दैट वी आर करेंटली इन एंड दिस काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट विल बी गिवन to all the schools that have been actually enlisted as with highest participation. Top first 100 sir jo jinhone sabse pehle quiz attend kiya tha wo bhi hum unko certificate aur knowledge ke dete hain. Yes sir. Isme sir is baar hum logo ne kai sari nayi cheeze kari thi. जो हमारी टाइमलाइंस थी वो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन अप्रैल 7 को स्टार्ट किया था.
हमारा क्विज स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड अर्थ डे को 22nd को, हमारा क्विज एंड होना था इंटरनेशनल डे ऑन बायोडायवर्सिटी, बट बिकॉज ऑफ द इनॉर्मस रिस्पॉन्स दैट वी वर गेटिंग वी एक्चुअली थोड़ा सा हमने इसे एक्सटेंड किया था, मई 30th तक हम लोगों ने इस क्विज को चलाया। 5th ऑफ जून आज के दिन हम लोग विनर्स को अनाउंस कर रहे हैं। इस बार हमने ये एनआरआईज और फॉरेनर्स के लिए भी खोला था एंड अराउंड 700 लोगों ने इसमें फ्रॉम द फॉरेनर्स हैव पार्टिसिपेटेड। दिस वाज एक्चुअली ओनली अ पायलट फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर विल बी एक्चुअली टारगेटिंग अ लॉट मेनी पार्टिसिपेशन फ्रॉम फॉरेनर्स एंड एनआरआईज। दूसरा चीज सर, कई सारे स्कूल्स ने पिछले साल हमें बोला कि हमें बल्क रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं है, तो हमने स्कूल्स को बल्क रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा दी थी इस बार। और एक सर हमारे जो विनिंग में एक जो प्राइस में ऐड हुआ है वो है टॉपर का सब्सक्रिप्शन। टॉपर एक 360 डिग्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है और वो सभी विनर्स को दिया जा रहा है अलग अलग अवधि के लिए। टॉप 3 को पूरे एक साल के लिए दिया जा रहा है, टॉप 6 जो टॉप 20 है उनको हम 6 months के लिए दे रहे हैं और जो फर्स्ट 100 है उनको हम लोग 3 months के लिए दे रहे हैं। और सर एक और चीज, हम लोगों ने इस बार अपना इनॉर्मस रिस्पॉन्स आ रहा था, तो हम लोगों ने हर मंडे को जो फर्स्ट 50 बच्चे हैं उनको हम लोग नॉलेज किट्स और सर्टिफिकेट और देंगे। तो बिकॉज इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा था टू मोटिवेट स्टूडेंट्स प्राइज। इसी से बता दो। जब तक ये स्लाइड चेंज करेंगे सर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन टू बी एग्जैक्ट हमारा 11.5 लाख पार्टिसिपेशन इस बार हुआ है। एंड इसके लिए सर बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी नमामि गंगे प्रोग्राम को और सर मिनिस्टर, आपके विजन के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। एंड सारे स्टेट मिशन ग्रुप्स जो है सर, दे हैव ऑल वर्क वेरी हार्ड टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन। एंड सर नेहरू युवा केंद्र ने बहुत अमेजिंग काम किया है इसके लिए, सारे जो गंगा दूत हैं उन्होंने इसके लिए बहुत अच्छे से काम किया है, गंगा प्रहरी भी इसमें बहुत इन्वॉल्व है अच्छे से। और इसमें सर अच्छी बात इस बार ये थी कि सारे इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से हमारे पास इस बार पार्टिसिपेशन आया है, कोई भी एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसा नहीं बचा है जिससे हमें पार्टिसिपेशन नहीं आया। और जो 5 बेसिन स्टेट्स हैं उससे हमारे पास बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। उत्तर प्रदेश इज लीडिंग ऑफ कोर्स, फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड बिहार। और सर वेस्ट बंगाल और झारखंड ने भी बहुत अमेजिंग काम किया है सर। 1 lakh स्कूल्स, इवन सर मोर देन 1 lakh स्कूल्स। टॉपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपको 5 मॉड्यूल्स मिलेंगे। पहले मॉड्यूल लर्न में 3 एलिमेंट्स हैं, वीडियोस, स्टोरीज और कॉन्सेप्ट्स। इन तीनों में वीडियो सबसे प्रोमिनेंट है। ये वीडियो क्लासेस इनोवेटिव फीचर मेथड्स यूज करके स्किल्स के पूरे चैप्टर्स को कवर करते हैं। स्किल्स को ही ध्यान में रखें, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी ने वीडियोस को बनाया है। इन वीडियोस से स्टूडेंट सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लास से पहले ही कवर कर सकते हैं। इन्हें एग्जाम से पहले एक रिविजन टूल की तरह भी यूज किया जा सकता है। और अगर स्टूडेंट स्कूल की कोई क्लास मिस कर देते हैं तो वो इन वीडियोस की मदद से उन मिस कॉन्सेप्ट्स को तुरंत कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हर क्लास में एटलीस्ट 150 वीडियोस हैं। तो इन वीडियो और दूसरे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए topper.com में आज ही एनरोल करें। इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन का एक मैं आप लोगों को मैप दिखाना चाहूंगी कि हाउ वेल स्प्रेड द पार्टिसिपेशन वाज। सर इसमें जो मेन हमारे 10 कंट्रीज से बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आया, हाईएस्ट आया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, उसके बाद सर यूएसए से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है।
कतार, बहरीन, नेपाल, ओमान, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर. इन सब से सर अगर आप ग्लोबली देखें तो इट इज ऑलमोस्ट क्वाइट वाइड स्प्रेड. बट ये हमारा क्योंकि सिर्फ पायलट था, नेक्स्ट टाइम वी आर होपिंग दैट वी विल नॉट लीव एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एंड होपफुली ऑल द पार्टिसिपेशन शुड कम फ्रॉम एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. Yes. So this is all from my side for now, sir. And once the report is ready, I'll give a very detailed view of from which state and how many, kitni grades se kya kiska participation hai. Thank you, Bhavna. So, जैसा कि हमने देखा कि गंगा के प्रति अभिरुचि, गंगा और इसके इकोसिस्टम के प्रति अभिरुचि केवल गंगा के किनारे रहने वालों में ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में है और बल्कि दुनिया में दूसरे जगहों पे भी जो रह रहे हैं भारतीय या जो विदेशी भी हैं उन सब में है. और इसको हम और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे. अब हम इसके पहले कि हम विनर्स को अनाउंस करें, थोड़ा सा डिटूर लेते हुए एक दो चीजें जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने बच्चों के लिए ही बनाई है, और चूंकि ज्यादातर जो विजेता है वो भी युवा और बच्चे हैं, तो हम उन दो मूवीज को भी रिलीज करवाना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे. सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो हमारा जो कार्यक्रम चला है बायोडाइवर्सिटी के लिए नमामि गंगे के अंदर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साथ, उसके ऊपर उन्होंने एट ए ग्लांस एक पुस्तिका बनाई है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभाग में क्या काम किया है. तो हम सर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको इसका उसको रिलीज कर दें. मैं अनुरोध करना चाहूंगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक अगर लाइन पे हैं, अगर वो कुछ दो शब्द कहना चाहें इस पर्यावरण दिवस के ऊपर और आगे जो आपके वीडियो आने वाले हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो संक्षेप में कृपया बताने का कष्ट करें. कि आज उन्होंने इस पुस्तिका का विमोचन किया और आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमारा लगातार उत्साहवर्धन होता रहता है और हम इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रेरित होते रहते हैं. मैं साथ ही माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय रतनलाल कटारिया जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा. इस पुस्तिका में के माध्यम से हमने जो NMCG के अंतर्गत जो हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजुविनेशन का जो प्रोजेक्ट है उसके सभी 6 घटकों के बारे में सूक्ष्म में सूचना दी है ताकि सभी को पता चल सके कि इस विषय में क्या कार्य किया जा रहा है वन्यजीव संस्थान की ओर से और वन्यजीव संस्थान की जो समस्त टीम है उसके और साथ में जो हमारे गंगा प्रहरी इससे जुड़े हुए हैं उन सबके द्वारा. और इसमें जैसे गंगा एक्वालाइफ कंजर्वेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर जो बन रहा है हमारे यहाँ, साथ ही जो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है और बायोडाइवर्सिटी इसकी मुख्य थीम है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी तक उभर के आई कि हमारी गंगा नदी के लगभग आधी लंबाई में बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता अभी भी बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है जो कि एक बहुत हर्ष का विषय है सभी के लिए. साथ ही हमारा अन्य कार्य जो जिससे लाभ हो रहा है लगातार गंगा रिजुविनेशन के कार्य को रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो बने हैं उसके बारे में भी सूचना है और स्थानीय कम्युनिटीज के साथ जो हमारा जुड़ाव है इसमें, चाहे वो गंगा प्रहरी के माध्यम से हो या जो हमने इंटरप्रेटिव फैसिलिटीज जो बनाई हैं कुछ स्थलों पर उसका जिस तरह से स्थानीय लोग लाभ उठा रहे हैं उस सब का इसमें जिक्र किया गया है. तो मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री जी का, माननीय राज्य मंत्री जी का, DG साहब का, सभी का, पूरे संस्थान की ओर से, गंगा की जो हमारी टीम है और गंगा प्रहरी उन सब की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा. धन्यवाद. धन्यवाद. अब सर एक छोटी सी वीडियो है, यूनिटी इन बायोडाइवर्सिटी.
जो कि बाल गंगा प्रहरियों ने ही मिलकर बनाया है। वो लोग चलाएंगे क्या वाइल्ड लाइफ इस तरह भी मानव जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम इसमें रहने वाली जैव विविधता का आदर करें और उसके संरक्षण हेतु निरंतर प्रयास करते रहें। इसी श्रृंखला में हमारे बाल गंगा प्रहरी जैव विविधता में एकता का संदेश लेके आए हैं, तो आइए सुनते हैं इन धन्य दोस्तों को। चलो सुनाते हैं हम सबको जीवन की कहानी। दुनिया में जो सबसे पहले जीवन का क्या चरम हुआ, पानी में पलता था और सबसे ज्यादा अहम हुआ, नाम अमीबा था, उसका वो ही पहला जीवन था। उसके पास उसके हमसब और फिर सारा जीवन था। जीवन चक्र चलाने को जो सबसे जरूरी बात है, एक दूजे पर निर्भरता से सब जन्मे जी पाते हैं। कुछ रहते पानी में जिंदा, कुछ धरती पर विचर रहे, कुछ उड़ते उस मुक्त गगन में, कुछ जंगल में लौट गए। कुछ खाते फल और फूल, कुछ पीने पानी में सांस। इस तरह से रहते हैं हम सब अपने बंधे हुए। एक दूसरे पर है निर्भर, पर प्रकृति की प्रति सदैव हुए। देखो अगर हम सभी के खाने के को और भगत को राजगुरु ने मानवता के धर्म को उनके क्या हुआ कि सबको सब कुछ हो जाएगा खत्म, फिर ना होगी धरती, क्या होगी फिर ना हवा कोई ना, कैसी होगी बोलो तो धरती भी जंगल भी पानी के, कैसे बच पाएगा जीवन दिन पानी के लगा। आओ हम सब मिलकर एक नया संकल्प करें, पानी की रानी जंगल के रास्ता चले। आई एम अपार गंगा प्रेरी, आई एम दी गार्डियन ऑफ दी रिवर। मैं बाल गंगा प्रेरी हूँ, मैं नदियों का रक्षक हूँ। इसके साथ ही हम वापस उस जगह पे आते हैं जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, विनर्स के बारे में अनाउंस करना। इस गंगा क्वेस्ट प्रतियोगिता में काफी विजेता यहाँ पे मौजूद भी हैं, तो उनके बारे में आज हम माननीय मंत्रियों के उपस्थिति में उनके बारे में अनाउंस करेंगे। सारे विनर्स को डिसाइड कर लिया गया है, जो अलग अलग कैटेगरी में भावना ने बताया, किंतु अभी हम इस कार्यक्रम में जो चारों ग्रेड के जो फर्स्ट 3 विनर्स हैं उसके बारे में हम अनाउंस करेंगे, और फिर बाकी भी जो डिटेल्स हैं अलग अलग हैं उसको हम लोग वेबसाइट पे डाल देंगे। जो फर्स्ट 100 या फर्स्ट 20 उस सबों को हम वेबसाइट पे डाल देंगे। सो आई रिक्वेस्ट भावना आप फ्रॉम ट्रिकेस फाउंडेशन टू कैरी इट फॉरवर्ड। हेलो ऑल, फाइनली द विनर अनाउंसमेंट जो कि आप सब लोग वेट कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग
सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मिस अमिता गवई जो कि महाराष्ट्र की एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है. देन सेकंड नंबर पे आ रहे हैं सर विजयेश विश्वनाथन जो कि कर्नाटका में है एक आईटीपीएल के कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है. थर्ड नंबर पे सर निशांत कुमार है जो कि अभी उन्होंने क्लास 12 क्लियर किया है और नाउ ही इज वेटिंग फॉर जॉइनिंग हिज ग्रेजुएशन. So then coming to the top three winners of grade B, जो कि हैं class 11th और 12th के बच्चे. इसमें हम last से जो third position पे हैं वो है Miss Shivani Sharma, जो कि government co-ed senior secondary school R.K. Puram में पढ़ रही हैं अभी class 12th में. अनुषा कर्नाटक में जवाहर नवोदय विद्यालय में class 12th में पढ़ती हैं. Then the first number, the first rank goes to Ankita Singh, who is from KV number 1 AFS Indian, Ghaziabad, Uttar Pradesh. Then top 3 winners of grade 2. The third position goes to Harsh Rajput. Harsh is also studying in government co-ed senior secondary school, Chilla Village, Delhi. He is in class 9. Abhinanda Chaudhary is studying in Kendriya Vidyalaya Silchar, Assam. She is studying in class 9. And the top, the first position holder here is Atish Subhan, Kendriya Vidyalaya Karnataka. He was also, sir, one of the top 3 winners in last Gagafest 2019. The grade 1 winners, we have third position. The third position goes to Jivashri. She is from Kendriya Vidyalaya Thiruvannamalai, Kerala. Kalayasi, she is also from the same school, Kerala. Abhay Yadav, he is from Kendriya Vidyalaya Delhi. So these are the top 3 winners. Now come the top 20 category. Next. Yeah, so in the top 20 category, the names are given. This is for the grade 1. But I want to highlight here if we see, if we look at the state-wise winners, Rajasthan is taking lead with 18 winners in top 20 category, followed by Delhi, Assam, Jammu Kashmir, Maharashtra, and then as you can see, it is widespread and it has more than actually 10 states from where the winners are coming. Next, please. So I won't be announcing each one of you, but each one of you are the champions. So please be patient and we'll be sending you your knowledge kits very soon. So this is the top 20 winner of grade 2 and 3. Next. And this is the top 20 winner of grade 4. Coming to the first 100 winners, which were the early birds who participated on the very first day of the quiz. And I'll just show you the grade wise details here, because this is not grade wise. This was actually whoever participated first came in, and we saw that grade 1 had the maximum winners here. So we saw a lot of enthusiasm from class 8 and below, and then grade 2 had also almost similar enthusiasm, and grade 3 and grade 4 are little less, but they are also representing here. And if we look at the state-wise participation here, the winners, we see that Uttar Pradesh takes the lead here, followed by Tamil Nadu, Kerala, Assam, Delhi, Karnataka, Haryana, Jammu and Kashmir. We are very happy to see that all across the India, the winners are coming, be it Northeast, be it South, be it North. Jammu Kashmir has winners almost in every category. So congratulations to all the winners and thank you for participating in the quiz. Now, sir, we want to give special acknowledgement to Kendriya Vidyalaya Sangathan because they had 3 lakh plus participation this year. And also to Jawahar Navodaya Vidyalaya, they have approximately 1,000 students participating in the quiz. So they have done immense job. They are doing a great job in helping us outreaching to their students.
The next acknowledgements that we want to give to some of our warriors who have really helped in outreaching to a number of places. The first person is Mr. Nishikant Agarwal. He is a principal in KV Vishakhapatnam, and he actually has a blog, and also he has a YouTube channel in which he posted videos, and he has actually helped us in outreaching to 25,000 plus students. So we really thank Mr. Nishikant Agarwal for outreaching to so many people. Other little warrior that we have is Mr. Piyush Suryavanshi. He actually, when he saw that some of his classmates are struggling with registration, he quickly formed a WhatsApp group, and he actually didn't let the queries come to us. So many people, sir, on their own. Instead, he themselves resolved the entire issues, and the queries didn't come to us. Thank you, Piyush, and thank you, sir, Nishikant, sir. So this is all for the time being, sir, from the winners of the contest. Okay. जैसा कि भावना ने कहा, हम इन सब प्राइज विनर्स को एश्योर करते हैं कि ये सारे प्राइज हम कुरियर के द्वारा भिजवाएंगे, और जिन लोगों ने इस तरह से हमारी मदद की, हम एक लेटर ऑफ थैंक्स एक्नॉलेजमेंट भी इन राइटिंग हम नमामि गंगे मिशन की ओर से भेजेंगे। और अभी अभी माननीय मंत्री जी से चर्चा हुई और उन्होंने अनुमोदित किया कि जितने भी लोग पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं और सही तरीके से किए हैं, उन सबों को नमामि गंगे की ओर से हम किसी कुरियर के साथ या अलग से टी शर्ट भी हम भेजने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। ये माहौल ऐसा है, अदरवाइज हम आप सब लोगों के साथ मिलजुल करके, और आज के दिन ही हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता और एक बड़ा फंक्शन किया होता, किंतु कोई बात नहीं है। वी आर ऑल यूज्ड टू नाउ ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन ऑनलाइन क्विज। इसके पहले कि हम इंटरेक्शन करें, मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे सचिव महोदय से कि यूपी सिंह सर से कि दो शब्द बोले। तो सर, as you come back, beach me. Sir, UP Singh sir. उनको हाँ ऊपर। अरे unmute करो भाई, दोबारा दबा दिया वही बटन। हाँ हाँ सर, अब मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? नहीं सर, मैं तो अनम्यूट कर चुका हूँ, मैं अनम्यूट कर चुका हूँ भाई। यूपी सिंह साहब, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा एक बार। अरे अरे, पोस्ट नॉट अलाउइंग, उनको मैसेज आ रहा है। हेलो, यस सर, यस सर, आवाज आ रही है। राजीव, अब मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर, यस सर। माननीय मंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय, डीजीएनएमसी जी, और आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबको पहली बात तो कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उसकी शुभकामनाएं। और जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स विनर्स जितने हैं हमारे गंगा क्वेस्ट के, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। पिछली बार हम ऐसे ही एकत्र हुए थे, लेकिन इस बार एकत्र नहीं हो पाए हैं इन परिस्थितियों के चलते, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि इस बार बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। और ये खुशी की बात इसलिए भी है कि गंगा जो है वो केवल उन राज्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जिन राज्यों से होकर ये गुजरती है। गंगा तो एक ऐसा कुछ ऐसी एक एंटिटी है जो केवल देश के लिए नहीं, मतलब विदेश में भी हमारी अगर कोई सबसे बड़ी पहचान है आज विश्व में, तो वो होती है गंगा। एक्चुअली मैं जब भी बाहर गया, जब भी नमामि गंगे के प्रोग्राम से गया, तो लोगों ने जितनी नमामि गंगे में दिलचस्पी दिखाई, गंगा में दिलचस्पी दिखाई,
इनफैक्ट सर जितने कंट्री के एम्बेसडर्स यहाँ हैं उनसे बात कीजिए तो कोई ऐसा नहीं मिलता है जिसको कि गंगा में रुचि नहीं है। लेकिन कई बार सर दुख इस बात का लगता है कि गंगा के बारे में जितनी जानकारी हमें होनी चाहिए उतनी जानकारी हमें नहीं है। तो ये गंगा क्वेस्ट, गंगा क्यों महत्वपूर्ण है, गंगा केवल आस्था का विषय नहीं है, गंगा रोजी रोटी का विषय भी है, गंगा से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, गंगा क्यों प्रदूषित होती है, गंगा को प्रदूषण रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गंगा में प्रवाह, गंगा अपने पुराने स्वरूप में लौटे इसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि मुझे लगता है कि विशेषकर छात्रों को और युवाओं को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि गंगा जो है वो गंगा अगर नहीं है तो हमारा अस्तित्व ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात है सर कि इस बार बहुत सारे विद्यार्थियों ने खासकर इसमें हिस्सा लिया है, तो मैं सबको एक बार बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, वैसे तो प्रकृति वो समय समय पे हमें चेतावनी देती रहती है कि अगर प्रकृति से हमारा संतुलन बिगड़ा, मानव का अगर प्रकृति से संतुलन बिगड़ा तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। और मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति चल रही है इसमें तो सब लोगों के जेहन में ये बात आ गई है कि हम प्रकृति से खिलवाड़ करके प्रकृति से असंतुलन बना के हम बच नहीं सकते हैं। तो प्रकृति हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए प्रगति जरूरी है, लेकिन जो डेवलपमेंट की बात हम करते हैं वो डेवलपमेंट से ज्यादा आज के दिन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो पृथ्वी छोड़ें वो जो मुझे मिली है उससे बेहतर हो, इस दिशा में हम सब लोगों को काम करना है। और मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज हमें मंत्री जी को सुनना है, हमें पार्टिसिपेंट से इंटरेक्शन करना है। तो एक बार विजेताओं को और बहुत बहुत बधाई और पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय राज्य मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो भी विजेताओं को बधाई दें अपने संदेश। माननीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय जलशक्ति मंत्री, आदरणीय यूपी सिंह जी, आदरणीय मिश्रा जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन आज हम इन इनामों की घोषणा कर रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी के टीम को लेकर जो क्विज प्रतियोगिता का जो है हमने की है उसमें बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से भाग लिया है। और मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को भी नमामि गंगे के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिली होंगी। और आज तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज सारा संसार कोरोना की महामारी से गुजर रहा है और महामारी पर काबू पाने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात उभर कर आ रही है, वो यही है कि हम किस तरह से अपने जो है एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और इसकी सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें और भी आने वाले समय में बहुत से कदम उठाने होंगे। और मैं आदरणीय मंत्री जी को, आदरणीय मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इनकी कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप नमामि गंगे का जो कार्यक्रम है वो सारे देश के अंदर बहुत सफलता से चल रहा है और हमने कई कीर्तिमान इस क्षेत्र के अंदर स्थापित किए हैं और आने वाले समय में भी हम नमामि गंगे की अविरलता को लेकर और निर्मल धारा को लेकर इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। इतना ही मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आपकी
अनुमति से हम इनमें से कुछ एक दो विजेताओं से उनका अनुभव सुनते हैं। भावना बताओ फटाफट जल्दी करो। Atish Jumar, can you hear us? Yes, ma'am. Hello. Atish, you have said all three winners and want to highlight that you are also our winner in 2019. So, would you like to share your experience on Ganga Fest? Yes, ma'am. We all know that right now we are going through a COVID crisis, so we are not able to meet, you know, physically. Ganga is like a mother. Even though I am from Bangalore in Karnataka, Ganga is very close to my heart. She's just like my mother. So we are not aware of, you know, all the facts about Ganga, the historical significance, what are the pollution technology which is going on. So I think the Ganga Quest is, you know, really informative and educative related to the facts about Ganga. And we are able to know many things, and being this as a competition, you know, it's feeling so good that we are able to know so much about all of our mother, that is Ma Ganga. Thank you. Very good. Thank you, Atish. Abhi Harsh Rajput, are you there? Yes, ma'am. Good afternoon. I tell about the Ganga Quest. Ganga Quest is very good platform for awareness of Ganga, and Ganga is our mother. So we know about Ganga because Ganga is our mother, and in India, sir is telling, in India the other children, all children are know about of Ganga. So this is very new platform, and this opportunity is very good to children, and thank you. Harsh, how do you come to know about this program? तुमको कैसे पता लगा? सुन रहे हो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हर्ष, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करो भाई। हर्ष अपने आपको अनम्यूट करो। हाँ, हर्ष आपको आवाज आ रही है? यस सर। आपको कैसे पता लगा था इस प्रोग्राम के बारे में? सर, ये हमारी टीचर ने मुझे बताया था। मेरी जो क्लास टीचर थी, हम जूम मीटिंग ऐप पे क्लास लेते थे, तो हमारी टीचर ने बताया था कि गंगा क्वेस्ट 2019 में ओपन हुआ था, और तब से ये इस साल भी है, तो उन्होंने बताया था, तभी मैंने ये किया। इस पे आपको किस किस ने मदद किया उसमें, आपको पढ़ने के लिए घर में किसी ने बताया गंगा के बारे में? यस यस सर, मम्मी पापा ने फुल सपोर्ट दिया, टीचर्स ने भी दिया है। मम्मी पापा ने आपको गंगा के बारे में पढ़ाया या कैसे पढ़ाया? कोई बुक देख करके पढ़ाया या गूगल में सर्च किया आपने गंगा के बारे में? सर, गूगल में सर्च किया था। और जो नॉलेज रिसोर्सेस दिए थे हमने गंगा क्वेस्ट में, वो भी पढ़े थे। ई पत्रिका पढ़ी थी, नमामि गंगे की।
नो मैम, नमामि गंगे की ई पत्रिका में पढ़ी थी, पर मैंने इसकी न्यूज पहले टेलीविजन पे भी देखी थी, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में करके देखता हूँ। तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा था, गंगा के बारे में, फिर मैंने गंगा क्वेस्ट में रजिस्ट्रेशन किया। शाबाश, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। वेरी गुड, नमस्ते कहिएगा आप अपने पापा मम्मी को मेरी तरफ। यस सर। हम अभी और भी आप लोगों से चर्चा जारी रखेंगे, उसके पहले माननीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध करूंगा, वो हमें अपना बहुमूल्य संदेश दें और ये चर्चा जारी रहेगी। सो कुछ जो विजेता है या जो कुछ एक दो मूवी भी बच गई है, वो सब हम इसके बाद माननीय मंत्री जी के संदेश के बाद भी जारी रखेंगे। सो आप लोग लाइन पे बने रहें। सर प्लीज। जल शक्ति मंत्रालय में मेरे सहयोगी आदरणीय राज्य मंत्री कटारिया साहब, मंत्रालय के सचिव आदरणीय यूपी सिंह साहब, नमामि गंगे मिशन के डायरेक्टर जनरल श्री मिश्रा साहब, फ्री ग्रेस फाउंडेशन की प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित श्री भावना बडोला जी, और आज इस वेब प्लेटफॉर्म पर, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सारे मित्रों और सारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं पर्यावरण दिवस की। ये पर्यावरण दिवस मात्र एक ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन हम पर्यावरण के विषय में बात करें, विचार करें। अभी तो आज जिस तरह की परिस्थिति देश और दुनिया में है, उन परिस्थितियों की समीक्षा करते हुए हम आने वाले समय के लिए, आने वाले वर्ष के लिए, एक वर्ष में हम प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किस तरह से काम करेंगे, इस संकल्प को एक बार फिर दोहराने के लिए काफी है। जो लक्ष्य यूनाइटेड नेशंस ने तय किए, जो लक्ष्य भारत सरकार ने तय किए, उन लक्ष्यों के साथ में कि आने वाले समय में हम दूरगामी जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं कि आने वाले समय में हम किस तरह से प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, उन सब के लिए अपने आप को एक बार फिर प्लेस करने का संकल्प करना या उसको स्मरण करने का दिन। हम सब लोग मिलकर के अपनी प्रतिबद्धता कि हम प्राकृतिक संसाधनों को, चाहे वो जल है, चाहे वृक्ष है, चाहे हमारी जमीन है या वायु है, इन सब को हम जैसी अवस्था में पिछली पीढ़ी से हमको हस्तांतरित हुई थी, उससे बेहतर करके अगली पीढ़ी को वापस जो है सौंपेंगे, इस संकल्प के साथ हम काम करें, ये आज के दिन हम सबका ध्येय होना चाहिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से मिशन गंगा काम कर रहा है, और नमामि गंगे के ध्येय वाक्य को लेकर के जिस तरह से हम संकल्पबद्ध होकर के गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता के लिए काम कर रहे हैं, उसके यथोचित परिणाम हम सबको देखने को मिले हैं। पूरी दुनिया उसको उन परिणामों की आज समीक्षा करते हुए उनकी सराहना कर रही है। सरकारी स्तर पर, चाहे केंद्र सरकार के स्तर पर या राज्य सरकारों के स्तर पर, जिस तरह के प्रयास हुए, काम हुए, वो सब एक तरफ, लेकिन जितने गंगा प्रहरी आज यहाँ जुटे हैं, गंगा मित्र जुटे हैं, नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए जो गंगा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग जुड़े हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोगी जुड़े हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स आज इस प्लेटफॉर्म पर, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ हैं और शायद नहीं भी होंगे, निश्चित रूप से उन सब का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना योगदान नमामि गंगे मिशन में केंद्र या राज्य की सरकारों का है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सबने इस महत्वपूर्ण काम, क्योंकि गंगा न केवल जैसा अभी डीजी साहब कह रहे थे हम सब के लिए आस्था का विषय है, अपितु हमारे लिए जीवन का आधार भी है। अभी जो छोटे बच्चे अपनी फिल्म दिखा रहे थे, उसमें उन्होंने जब कहा कि पहला जीवन कहाँ पैदा हुआ, और जब उन्होंने कहा कि अमीबा की चर्चा की, तो निश्चित रूप से हमारे जल के स्रोत, और हम सब जानते हैं कि जो है भारत देश में सांस्कृतिक रूप से हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने हम सबको जल से जोड़ने या प्राकृतिक संसाधनों से, प्रकृति प्रदत्त तत्वों से जोड़ने के लिए,
उनके देवताओं के स्वरूप में कल्पना की थी, क्योंकि उस समय मनुष्य को ऐसे सारे विषयों के साथ में जोड़ने का सबसे सहज माध्यम जो था वो उसको धर्म और क्या के आधार पर जोड़ना था। और इसी दृष्टिकोण से हर एक ऐसी चीज जो हमको देती है उसको देवता मानते हुए हमें जोड़ने की कल्पना की। और अभी भी समाज में ऐसी अनेक परंपराएं की नदियों की पूजा, तालाब की पूजा, वृक्ष की पूजा, पीपल को भाई मानना, ऐसे और प्रत्येक पशु पक्षी को कहीं ना कहीं किसी न किसी देवता के साथ में जोड़ करके उसकी सवारी के रूप में, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में, किसी न किसी रूप में उसको जोड़ करके उसको प्रकृति का अभिन्न अंग मानते हुए उसकी महत्ता को प्रतिस्थापित करने का काम किया है। अभी जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, हमारे हिंदू शास्त्रों में, हमारी सांस्कृतिक परंपरा में यदि आप सारी चीजों को एक साथ रूप कर समग्र रूप में देखें तो ऐसे सारे घटक जितने भी, उन सब घटकों को हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी देवता के साथ में या धर्म के साथ में कहीं जोड़ करके हमने उसको अपने जीवन का हिस्सा मानना और उसको उसको सर्वथा त्याज्य नहीं ऐसा मान करके उसकी आराधना करने का काम किया। निश्चित ही आज पर्यावरण के दिवस पर हमको यह संकल्प करने की आवश्यकता है कि बायोडाइवर्सिटी के जितने भी घटक है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी पिछले 3-4 दिन से देश में अत्यंत चिंता और चर्चा का विषय बना है जो घटना केरल में हुई, एक हाथी को जिस तरह से एक हथिनी को जो गर्भवती थी उस हथिनी को जिस तरह से एक पटाखे से भरा हुआ अनानास खिला करके उसकी हत्या कर दी, और उसने पूरे देश में एक एक जन साधारण जनमानस को मानसिक रूप से उद्वेलित करने का काम किया। ये जो सकारात्मकता का माहौल और जुड़ाव लोगों का पर्यावरण के घटक की तरफ और घटकों की तरफ बढ़ा है, निश्चित रूप से उनमें इस गंगा क्वेस्ट जैसे कार्यक्रम, क्योंकि जब हम गंगा का बाकी बात करते हैं तो केवल गंगा एक प्रवाहित नदी का प्रवाह मार्ग मात्र नहीं, उसके साथ में जुड़ा हुआ सारा इकोसिस्टम, उसके साथ में जुड़ी हुई सारी जातियां प्रजातियां, जितने भी तरह के पशु, जलीय जीव, पक्षी जो सब उसमें विचरण करते, और उसके अतिरिक्त उनके उसके चारों तरफ जितना डाइवर्सिफाइड जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सब उसके घटक है। उन सब के बारे में चेतना जागृत करने का निश्चित रूप से गंगा क्वेस्ट ने भी एक बहुत बड़ा अभियान नमामि गंगे मिशन और ट्री प्लेस फाउंडेशन के साथ में प्रारंभ किया है। जब मुझे पिछली बार हुए कार्यक्रम और इस बार के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई थी, तो मैंने कहा था कि हमको इसको और अधिक व्यापकता प्रदान करने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ट्री क्रेज फाउंडेशन से जुड़े हुए लोगों का भी और मिशन से जुड़े हुए भी सभी लोगों का, तो उन सब लोगों ने इसमें प्रयास किया और विपरीत परिस्थितियां होते हुए, मुझे लगता है कि विपरीत परिस्थितियों ने हमें अनुकूलता प्रदान की और उस अनुकूलता में आपके कारण ही हम इस विपरीत परिस्थिति में, इस लॉकडाउन के पीरियड में लोगों के समय का कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके और साथ ही साथ हमारी जो है हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो हमारी विविधता में एकता की जो परिकल्पना है भारत की और जो भारत की शक्ति है, उस शक्ति के मूल आधार में से एक बिंदु जो है वो हमारी नदियां भी है, इंटरस्टेट रिवर्स भी है, विशेष रूप से गंगा का उसमें विशेष महत्व है, उसको जोड़ने उस महत्ता को प्रतिस्थापित करने का इस विपरीत परिस्थिति में जिस तरह से प्रयास किया गया, लोग उसके साथ में जुटे, वो केवल हमारे ज्ञान का हिस्सा नहीं बने, अभी तो हम उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी और जागरूकता को समझें और उसके निर्माण करने के लिए संकल्पित हों। ये मिशन केवल आप सब लोगों की ज्ञान की परीक्षा या एक क्विज केवल ज्ञान की परीक्षा के निमित्त नहीं है कि आप लोगों ने इसमें किस किस को गंगा के बारे में ज्यादा जानकारी, क्योंकि आज जिस जमाने से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वहां जानकारी आपके फिंगर टिप्स पर, आपके उंगलियों पर है, आप कहीं भी कंप्यूटर में एक्सेस करके दुनिया की जानकारी को हासिल कर सकते हैं। केवल जानकारी देना इसका निमित्त नहीं, इसका हेतु नहीं, जानने से सहजता के साथ में संबंध स्थापित होता है। मैं किसी को जानता हूँ उसके साथ में मेरा परिचय है तो मेरा उसके साथ में संबंध स्थापित हो सकता है। गंगा के साथ में, गंगा से जुड़े हुए सारे पारिस्थितिकी तंत्र, सारे इकोसिस्टम के साथ में आपका सहज संबंध स्थापित हो, इस दृष्टिकोण से इसको प्रारंभ किया गया था और इसकी सफलता तभी है तब हम जन जन को गंगा और जन जन को जल के साथ में जोड़ने में सफल हो सके।
मैं एक बार फिर सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नीति जी साहब ने अभी चर्चा की कि हम आने वाले समय में इस क्विज को और ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में विचार करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि हम इसमें मोनोटोनस नहीं बने, इसका हमको विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए कि हम क्या नया दे सकते हैं, किस तरह से इसका विस्तार कर सकते हैं। हम केवल गंगा तक जुड़े रहने के बजाय इसको किस तरह से भारत के तंत्र को साथ में जोड़ करके किस तरह से इस पर काम कर सकते हैं, किस तरह से इसका आयोजन कर सकते हैं। केवल गंगा तक ही यह सीमित न रहे, देश की पूरी नदियों के बारे में, देश के पूरे जो है वॉटर सिस्टम के बारे में कैसे इसको जोड़ सकते हैं, देश के जल चाहे जल से जुड़े हुए जितने भी जो है एस्पेक्ट्स हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम किस तरह से इसकी चर्चा कर सकते हैं, इसको और अधिक विस्तृत करने की भी आवश्यकता है, इसके होराइजंस को और ज्यादा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। निश्चित ही लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों को इस गंगा क्वेस्ट के माध्यम से एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला होगा। और एक मैं ये मानता हूँ कि एक विद्यार्थी, अभी जब मैं हर्ष जी से बात कर रहा था तब मैंने उनसे पूछा था कि आपके माता पिता ने आपको सहयोग किया, मैं निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मानता हूँ कि एक परिवार में कोई भी एक सदस्य ने यदि इसमें हिस्सा लिया होगा तो केवल वो अकेला गंगा के साथ में नहीं जुड़ा, वो पूरा परिवार गंगा के साथ में जुड़ा है। उन्होंने भोजन करते समय, घर के वालों सदस्य ने चर्चा करते समय इस क्विज के बारे में कहीं ना कहीं बातचीत अवश्य की होगी, कहीं ना कहीं चर्चा एक आध मिनट अवश्य की होगी, डाइनिंग टेबल पर बैठ करके इसके ऊपर बात की होगी कि गंगा क्विज में ये क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने उसका ये जवाब दिया। जो कुछ नया हमने इस समय में सीखा होगा उसके बारे में भी हमने चर्चा की होगी, जो कुछ नया जाना है उसके बारे में भी एक दूसरे से अपने घर परिवार में निश्चित रूप से बात की होगी। और ये बात करने से न केवल आपका गंगा के साथ जुड़ा हुआ है अभी तो पूरे परिवार का जुड़ा हुआ है। ये जो 10-11.5 लाख लोग जुड़े हैं, हमने 11.5 लाख परिवारों को गंगा के साथ जोड़ने में कामयाबी पाई है। हम आने वाली पीढ़ी को गंगा और गंगा से जुड़े हुए जो की महत्ता से जुड़े हुए विषयों के साथ में जोड़ सकें, यही हमारा इसके पीछे हेतु भी था, प्रयास भी था। इस प्रयास को और अधिक विस्तार हम प्रदान करेंगे। जो लोग विजयी हुए हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन सब का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस राष्ट्रीय महत्व के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। और सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे स्टेट मिशंस या जैसा मैंने चर्चा की हमारे गंगा प्यारी, हमारे गंगा प्रेरक, हमारे गंगा मित्र, हमारे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सारे जितने सहयोगी हैं, हमारे नेहरू युवा केंद्र के सदस्य, हमारे स्टेट मिशंस, इन सब का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, उन सब का आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। और साथ साथ में नमामि गंगे मिशन को और ट्री क्रेज फाउंडेशन को, दोनों को इस सफल क्विज कार्यक्रम के लिए खूब सारी बधाई देना चाहता हूँ। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। हम इसी तरह जुड़े और जुड़ करके जिम्मेदारी के साथ में इस जलीय चक्र को, हमारे जीवन का चक्र जो है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, इस जलीय चक्र को हम और अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए अपने आप को नियोजित करें, अपनी जिम्मेदारी को इसमें समझें। इस संकल्प के साथ में एक बार फिर आप सबको पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए, संदेश के लिए, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो सबके बिहाफ में जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, ट्री क्रेज, स्टेट, सबकी ओर से मैं आपको अपना आभार देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि विजेताओं को कहा है हमसे जुड़े रहे, और अभी एक और जो एक सॉन्ग रह गया था उसको चलाता हूँ। माननीय राज्य मंत्री जी हमारे साथ हैं और हम कार्यक्रम को थोड़े समय तक और आगे चलाएंगे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से जो बाल गंगा परिनियों की एक बड़ी अच्छी और कविता रूपी वीडियो है उसका भी हम संचालन करेंगे। और उसके बाद भावना आप कुछ जो आपके गंगा नदी की जैसल में अनेक प्रकार के जीव जंतु जैसे कि सुअर, मछली, मगर, कछुए, पक्षी इत्यादि पाए जाते हैं। यह सभी गंगा की पारिस्थितिक को स्वस्थ रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो आइए जानते हैं जैव विविधता की कहानी बाल गंगा प्रेमियों की जुबान पर।
गंगा नदी के गर्भ में अनेक प्रकार के जीव जंतु जैसे कि सोंस, मछली, मगर, कछुए, पक्षी इत्यादि पाए जाते हैं। यह सभी गंगा की पारिस्थितिकी को स्वस्थ रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो आइए जानते हैं जैव विविधता की कहानी बाल गंगा प्रहरियों की जुबानी। मछली रानी नदिया में है कितना पानी, पानी तो कम है भैया, सूख गए सब ताल तलैया, गंगा में हो गया है प्रदूषण, जो थी भारत की आभूषण, हम गंगा के हैं पहरेदार, साफ करेंगे अपना घर द्वार, बिन वेतन के है सफाई कर्मी, काम करे सर्दी हो या गर्मी, कोई ना करे कभी ये विचार, करे सभी हम पर अत्याचार, सदियों से है हम भोजन का हिस्सा, कभी खत्म नहीं होगा ये किस्सा, प्रदूषण भी इंसान बढ़ाए, सांस लेना भी दूभर हो जाए। गहरा पानी है मेरा घर, देखूं फिर मैं इधर उधर, रेत में रहता हूँ मैं पड़ा, नाक के आगे है मेरा घड़ा, तभी घड़ियाल कहलाता हूँ, छोटी मछलियाँ खाता हूँ, जाल जब भी कोई फैलाता उसमें अक्सर मैं फंस जाता, जीना दुर्भर हो गया है मेरा, सोचू कहीं और लगा दूं ढेरा। डॉल्फिन देखो बड़ी सियानी, है वहाँ जा सब पानी, मछलियाँ सारी अंडे देती, डॉल्फिन लेकिन मच्छर जंती, बहुत देखी असली है पर वो तो मछली नहीं है, बच्चों को दूध पिलाती है, पानी में कट्टर दिखाती है। नदिया की हम करे इनाम, हमारा कछुआ भारत में है 29 प्रजाति, गंगा तेरा मिल जाती, मरी मछलियाँ को खाते हम, गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाते हम। दूध पिलाओ नाम है मेरा, नदी किनारे मेरा डेरा, दिखता हूँ मैं नीमली जैसा, पर कहाँ नहीं है ऐसा वैसा, छोटी मछली और कीड़े खाता हूँ, पारिस्थित की तंत्र मजबूत बनाता हूँ। प्रवासी पक्षी मेहमान हमारे, प्रवासी पक्षी मेहमान हमारे, दूर देश से आते सारे, लंबी दूरी है तय करते, आते जाते कभी ना थकते, शीत का प्रकोप जब बढ़ता, अपना देश उन्हें छोड़ना पड़ता, नदी झील पोखर में आते, शीतकाल है यही बिताते, गर्मियों के शुरू होते ही अपने देश वो फिर उड़ जाते, सदियों से ये दोहराते हैं, अगले बरस फिर वापस आते हैं। बगुला खड़ा लगा कर ध्यान, बन कर रहे बिल्कुल अनजान, जैसे ही दिखे कोई मछली, जल्दी से उसने लपक ली, किसानों का है मित्र वो, जानते हैं सभी हम जो
कीड़े मकोड़े जैसे ही दिख जाए फौरन ही वो चित कर जाए। गाय भैंसों से दोस्ती गाठी, मित्रता की मिसाल है गाठी, परिस्थिति की तंत्र बनाए मजबूत, ये सब है प्रकृति के दूत। फुदक फुदक के चाल दिखाओ, बिन पानी के रह ना पाऊं, धरती पर है मेरा घर, दो दो जगह लगाओ ढेला, पानी में भी रह लेता हूँ, धरती पर जी लेता हूँ, अपने बच्चे मुझे सबसे प्यारे, नन्हे मुन्ने राग लाए, नदिया के संग बहते हैं, सब मुझे मेंढक कहते हैं। हम हैं गंगा के पहरेदार, दूर रहो सब खबरदार, नाम है मगर हमारा भाई, गंगा की हम करें सफाई, रहे यहाँ बहताओ पानी, नहीं हमारा कोई सानी, चौड़ा थूतन शान हमारी, गंगा मैया की हमने सवारी। इसमें काफी चीजें सीखी और एक्चुअली मेरे को इसके बारे में तो पता नहीं था पहले उसके क्या कहते हैं मेरी स्कूल की टीचर हैं क्विजिंग क्लब की हेड आरती सिंघल मैम, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था कि ये क्विज है, पूरी स्कूल वाइड असेंबली में बोला था हमें कि ये ट्राई कर सकते हैं। मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया तो लास्ट ईयर फिर ट्राई करा तो मैं जीत पाया लास्ट टाइम। इस टाइम मुझे याद था कि ये क्विज है, मुझे गंगा के बारे में भी काफ़ी सीखा था क्विज में, तो आरती मैम ने दोबारा रिमाइंड कराया कि क्विज लाइव हो गया आप कर सकते हो, तो मैंने कहा मैं श्योर ट्राई करूंगा मैम, उस बार फिर दोबारा जीत गया। बताइए निशिकांत जी, आप हैं तो आप बताएं। केंद्रीय विद्यालय से जो है ना प्रिंसिपल निशिकांत अग्रवाल जी, अगर आप जुड़े हुए हैं तो अपने अनुभव बताएं। निशिकांत अग्रवाल, इसमें इतने हो गए हैं ना, नए बच्चों को बुला जो पहले नहीं इस साल पहली बार किया है, एक दो बार हम लोग कर लेते हैं। एक रेडमी के नाम से है शिवानी यादव, वो भी विनर है इस साल, टॉप थ्री में है। शिवानी आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? शिवानी यादव रेडमी के नाम से उनका होगा, अगर वो बोल सकती तो आप आ जाइए, अगर आप सुन रहे हैं तो आप बोलना शुरू करो तो पता चल जाएगा, हम लोगों ने सबको म्यूट किया हुआ होगा, प्रॉब्लम नहीं, अपने आप को ओपन करके आप बोल सकते हैं। नहीं आ रहे, एक है अनुषा एस, अनुषा करके है, हाँ रेडमी है तो प्लीज शिवानी यू वी कैन फाइंड यू नाउ, अब आप बोल सकते हो। अच्छा आपने म्यूट कर रखा है, आप अपना अनम्यूट कर सकते हो प्लीज। अगर वो प्रिंसिपल साहब आए। यस मैम, चलो हाँ जी बोलिए शिवानी मैम,
थैंक यू फॉर मैम, मैं मुझे पता नहीं था कि मैं टॉप थ्री में हूँ, इसलिए मैंने अनम्यूट कर रखा था। गुड सरप्राइज। कल आपने मैम टॉप 20 में बताया था बच्चे का, इसलिए बच्चे ने ध्यान नहीं। नो प्रॉब्लम। आप बोलिए शिवानी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, अपने एक्सपीरियंस बताना चाह रहे थे, प्लीज बताइए शिवानी। यस मैम, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे गंगा क्वेस्ट के बारे में मेरे टीचर से पता चला था, और मतलब टीचर्स ने बताया कि इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो मैंने जब इसमें पार्टिसिपेट किया तो मुझे गंगा के बारे में बहुत कुछ सीखने के मिला, और हमारी गंगा हमारी माँ है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए बहुत कुछ, ऐसी बहुत सी चीजें हमें नहीं पता थी इसके बारे में जो हमें अब सीखने को मिली है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इसमें अभिरुचि लिया और इसको इसको काफी लोगों तक पहुंचाया। धन्यवाद सर, आप सबका स्वागत। आपने मुझे एक इतने बड़े नोबल कोज के लिए जुड़ने का अवसर दिया। मैं बेसिकली राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ सर, मेरी पोस्टिंग अभी केंद्रीय विद्यालय विशाखापट्टनम में है, और मैं अपने स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास इतना बड़ा हो जाएगा कि 25,000 से ज्यादा लोग इस वीडियो को इतने अल्प समय में देखेंगे और इससे प्रेरणा लेंगे, इसका मुझे भी अनुमान नहीं था। मैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर साहब और इस पूरी टीम को, साथ ही क्रेज फाउंडेशन, क्रेज ट्री फाउंडेशन को भी हार्दिक बधाई देता हूँ, और मेरे जैसे बहुत से लोग चुपचाप वॉलेंटियर के रूप में इस मिशन में जुड़े हुए हैं, मैं उन सब की तरफ से आप सबको एक बार पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अनुषा, आई थिंक आप भी कुछ बोलना चाहते हो। Yes, ma'am. Yes, yes, bolo. I can listen, ma'am. Yeah, yeah, please tell. Namaste to Ganga Quest is being a very good platform for all the students as well as working people. And Ganga is helping a lot to all the people. And मुझे ये क्विज के बारे में मेरे पीटी मैडम ने बताया था, मेरे पीटी मैडम जो है गौतमी हिज्जी मैडम ने, और उन्होंने बहुत ही इंकरेज किया था मुझे करने के लिए, और मेरे पेरेंट्स भी, और इस गंगा क्विज के वजह से मुझे गंगा की बहुत कुछ सीख मिली है, और हमारे माता गंगा को हमें बचाना चाहिए। और कल मैंने न्यूज पढ़ रही थी और उसमें मैंने देखा कि लॉकडाउन इम्पैक्ट के वजह से हरिद्वार में जो गंगा रिवर बहती है वो आफ्टर डिकेड्स पहली बार वो फिट टू ड्रिंक हो चुका है, तो इस कोरोना भी हमारी गंगा के लिए वरदान है। थैंक यू गंगा क्विज के लिए। थैंक यू सो मच अनुषा। एक और के ऊपर अवधेश सिंह। अवधेश, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने मैसेज किया था। अवधेश। यस मैम। मैं रीशा यादव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, कुछ बोला आपको? जी हाँ, गंगा क्वेस्ट के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन गंगा क्वेस्ट के बारे में तो वैसे मैं अपनी मैम से पता चला था, लेकिन गंगा के बारे में मुझे बहुत कुछ पता था पहले से ही, तो मैम ने मुझे बताया कि तुम्हें गंगा क्वेस्ट का देना चाहिए, और वैसे भी हमें इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, इससे हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी, इसलिए मैंने उसको उस टेस्ट को दिया और क्वालिफाई करा था। वेरी गुड अवधेश, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। अवधेश आप कहाँ के हो? कहाँ से है आप अवधेश? कौन से क्लास में है? मेरा ये पापा का नाम है। हाँ अवधेश बोलो। मैम अवधेश सिंह मेरे पापा का नाम है, मेरा नाम तो ऋषभ यादव है। अच्छा ठीक है, उसका उनकी आईडी से बात है। अच्छा आप कौन से क्लास में हो? मैम दिल्ली से हूँ। मैम दिल्ली से,
केवी केशवपुरम स्कूल से। केवी केशवपुरम स्कूल से। ओके ग्रेट कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। थैंक यू मैं ये बताना चाहता हूँ कि गंगा क्वेस्ट से जुड़ने के बाद मैंने गंगा को पता नहीं जितना मैं नहीं जानता था अपने परिवार से जाना, ऑनलाइन जो किताबें थी उनको देखा, जो मटेरियल दिया गया था आपकी वेबसाइट पे उसको पढ़ा, जितना मैं गंगा से जुड़ा नहीं था, सिर्फ एक दो बार जाके तट पर गया था, लेकिन इस बार मैंने बहुत कुछ जाना, उसके इतिहास के बारे में जाना, तो ज्ञान अर्जन हुआ इससे मेरा। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी को मैं कहना चाहूंगा कि सभी को अधिकतम मात्रा में जुड़ना चाहिए और बताना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। वेरी गुड। इसने सेकंड टाइम किया है। इसने सेकंड टाइम। पिछली बार टॉप 3 में था, इस बार टॉप 3 में। ठीक है गुड। कंपटीशन बढ़ रहा है ना। सर एक तुषार जी भी हैं जिन्होंने मेरठ के जो हां कुछ हम उनसे भी लेते हैं। तुषार तुषार जी आपने बहुत मदद करी है। एक्चुअली NYK के साथ तो हम एक अलग से भी माननीय मंत्री जी भी कह रहे थे एक अलग से भी सेशन करेंगे सारे DPOs के साथ और उसमें हम और विस्तार में आप लोगों के साथ क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं जानना चाहेंगे। किंतु इस गंगा क्वेस्ट में भी लगभग सबने काफी अच्छा प्रयास किया और कुछ लोग आज यहाँ पर है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स ने कम काम किया है, सबने अच्छा किया। और मैं तो लगातार स्पेशली लास्ट 10 दिनों में सबके साथ लगातार जुड़ा हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, तो मुझे पूरी तरह से पता है कि आप लोगों ने कितना ज्यादा गांव-गांव जाकर के लोगों को बताया और इसमें भाग लेने के लिए उत्साहित किया। देखिए ज्यादातर कई लोग जो है टीचर के द्वारा स्कूल के सिस्टम के द्वारा हुए हैं, लेकिन जो NY के जिन लोगों को लेके आया प्रतिभागियों को वो आम जनता से जोड़ करके लेके आया, तो उसका बड़ा एक महत्व है इस तरह के काम करने के लिए। तो हम एक दो लोगों से जानना चाहेंगे जैसे NY के इसी तरह से गंगा विचार मंच और गंगा प्रहरी भी आम लोगों से लोगों को जो कर रहे हैं। तो सर आप हैं लाइन पे हो आप? नहीं है तो फिर इनसे तो हम लोग बाद में कर लेंगे। ओके ठीक है सर, अभी के लिए सर तो ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक हमें अनुरोध बार बार मिल रहा है गंगा बाल प्रहरियों से कि जो पिछली बार वो चलाया जो पिछला वीडियो उसको कई लोग देख नहीं पाए, उसको दोबारा उसको देखना चाहते हैं। दूसरा वाला तो कविता बहुत अच्छी थी उनके द्वारा और तो उसको बार 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 गंगा प्रहरियों का अनुरोध है कि वो हम लोग नहीं देख पाए और देखना चाहते हैं। हाँ तो उसको उसको चला देते हैं और इसके बाद में अगर कोई विजेता बोलना चाहते हैं इस तरह पे मानव तो हम वेट करेंगे। जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम इसमें रहने वाली जैव विविधता का आदर करें और उसके संरक्षण हेतु निरंतर प्रयास करते रहें। इसी श्रृंखला में हमारे बाल गंगा प्रहरी जैव विविधता में एकता का संदेश लेके आए हैं, तो आइए सुनते हैं इन नन्हे दोस्तों को। चलो सुनाते हैं हम तुमको जीवन की कहानी। ना इसमें कोई राजा ना इसमें कोई रानी। दुनिया में जो सबसे पहले जीवन का था जन्म हुआ। पानी में पनपा था वो और सबसे ज्यादा अहम हुआ। नाम अमीबा था उसका, वो ही पहला जीवन था। उसके बाद हुए थे हम सब और फिर सारा जीवन था। जीवन चक्र चलाने को जो सबसे जरूरी बातें, एक दूजे पर निर्भरता से सब जग में जी पाते हैं। कुछ रहते पानी में जिंदा, कुछ धरती पर विचर रहे, कुछ उड़ते उस मुक्त गगन में, कुछ जंगल में राज्य करें। कुछ खाते हैं हरी घास और कुछ खाते हैं उनका मांस। कुछ खाते फल और फूल, कुछ की है पानी में सांस। इस तरह से रहते हैं हम सब आपस में बंधे हुए, एक दूजे पर है निर्भर और प्रकृति के नियम से सधे हुए। देखो अगर हम सबने नहीं माना इस नियम को
और अगर तोड़ा जो हमने मानवता के धर्म को, तो फिर क्या होगा सोचो तो? सब कुछ हो जाएगा खत्म, फिर ना होगी धरती प्यारी, फिर ना होगा कोई जन्म। कैसी होगी बोलो तो धरती बिन जंगल बिन पानी के, कैसे बच पाएगा जीवन बिन पानी की रवानी के? आओ हम सब मिलकर एक नया संकल्प करें, बनी रहे पानी की रवानी, जंगल बचे हवा स्वच्छ रहे। I am a Bal Ganga Prairie. I am the guardian of the river. मैं बाल गंगा प्रेरी हूँ, मैं नदियों का रक्षक हूँ। मैं बाल गंगा उत्तराखंड पहाड़ी छाँ और मैं नदियों की रक्षिका छाँ। कई मैं बाल गंगा पहाड़ी तेरी जन्म दुनिया से कहूँ। बोचोस बाल गंगा प्रेरी बोचोस दर्द जुदार। मैं बाल गंगा प्रहरी, मैं हकलू नदी रक्षा करी। बाल गंगा प्रहरी नी आई नतुरेल में आबू कंगनी। आमी एक जन बाल गंगा प्रहरी, आमी नदी रक्षक। बाल गंगा प्रहरी नी नदी सुरक्षा करते। नान और बाल गंगा प्रहरी, नान नदीगलिन पादगावलन। हाँ सा बाल गंगा प्रहरी, हाँ उसे से बिनाईरी रक्षक। ऊसु बाल गंगा पधारी, ऊ नदियों ने रक्षक सु। जय हिंद। प्रणाम, हम बाल गंगा प्रहरी हैं, सभी नदी के रक्षक हैं। मैं बाल गंगा प्रहरी हूँ, मैं नदियाँ का सरपरस्त हूँ। हाँ, बाल गंगा प्रहरी हूँ, मैं नदियों के रक्षक हूँ। नेनु बाल गंगा प्रहरी नी, नेनु नदुला संरक्षा करूनी। नानु बाल गंगा प्रहरी, नानु समस्त नदीगला संरक्षक। अच्छा एक और, ये जितने भी वीडियोज है हम लोग अपने नमामि गंगे के फेसबुक पेज पे भी लोड करेंगे, आप लोग बार बार देख सकते हैं। उसी तरह से इवन आज के प्रोग्राम में जो भी गंगा क्वेस्ट की मूवी है, इन मूवी को भी गंगा क्वेस्ट के वेबसाइट पे भी विजेताओं के नाम और डिटेल के साथ भी रखा रहेगा। एक्चुअली गंगा क्वेस्ट का जो वेबसाइट है उसके द्वारा आपको काफी जानकारी मिलते रह सकती है, और जैसे हम भविष्य में भी कुछ क्विज और इस तरह की प्रतियोगिताएं करेंगे तो इट विल बी यूजफुल फॉर यू टू रिमेन इन टच। तो सेक्रेटरी सर है क्या लाइन पे? एक दो लोग और भी बताना चाहते हैं सेक्रेटरी सर, अगर है नहीं सर। नहीं है सर, चलो तो आप एक और कोई नाम बता रहे हैं। इसको दिखता नहीं है, दिस इज प्रॉब्लम पे। ये हुआ था कि यू विल सिट देयर। हेलो हेलो तुषार जी, वेबसाइट उस पे हेलो दिख रहा है कि आईडी टीम इज वीक। हेलो 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 गुड आफ्टरनून सर, हेलो गुड आफ्टरनून, हेलो वॉइस आ रही है सर? हेलो गुड आफ्टरनून सर, हेलो गुड आफ्टरनून सर, सर गुड आफ्टरनून, बताओ आगे हम लोग सुन पा रहे हैं। सर थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस फॉर शेयरिंग माय व्यूज। सर काफी मदद मिली गंगा क्वेस्ट से, जो हमारे गंगा बेसिन्स विलेजेस हैं
बात है कि हमने इसके माध्यम से जो हमारे गंगा ग्रुप के माध्यम से और स्पेयर हेड टीम मेंबर्स के माध्यम से यूथ क्लब्स के माध्यम से हमने एक बात स्प्रेड करा मैसेज सबको फेसबुक, ये लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे अभी सोशल गैदरिंग नहीं कर पा रहे थे अपनी, और ये गंगा क्वेस्ट के माध्यम से हमने वहाँ पे उन लोगों तक अपनी बातें पहुँचाई, बहुत आसानी से पहुँचा पाए। इसमें काफी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे गंगा से रिलेटेड वो के जो लोग थे उन सबको जानने का मौका भी मिला। हमने ग्राम प्रधान, ग्राम सेक्रेटरी से भी और बीडीओ से भी, हालांकि इनसे भी हमने अपील करी कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने ब्लॉक्स में इन सबको फैलाएं जो गंगा बेसिन इलाके हैं। और उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज थी, उन तक भी प्रोफेसर्स ने, एनसीसी वालों ने, एनएसएस के ऑफिसर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट लिया। एनसीसी वालों की तरफ से भी काफी हमारे को अप्रिसिएशन मिला। मैडम थी एनसीसी की लेफ्टिनेंट जो सिग्नल का इशू हो जाता है आई थिंक, वो क्या सिग्नल प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो गई शायद वहां पे। चलो अगला प्रश्न, अगर हम लोग आप दूसरे को कनेक्ट करें, निष्टी वर्मा, निष्टी वर्मा बहुत देर से कुछ बोलना चाहती हैं। निष्टी, निष्टी हम आपको अनम्यूट करने वाले हैं, इसके बाद आप बोलना। अच्छा आप खुद भी अनम्यूट करके अपने आप को बोल सकते हो, ट्राई करो। मार्टिना को बोलो, मार्टिना कुछ बोलना चाहे। मार्टिना आर यू, इफ यू आर एबल टू हियर विल यू लाइक टू शेयर समथिंग? GIZ Martina, you have a package for some of the schools, so if you are there online you can explain, you can share your thoughts. Martina phone karo kisko, बोलते हैं ऋषि वर्मा, अगर आप अवेलेबल हैं तो अनम्यूट करके आप बोल सकती हैं। एक आदित्य भी बोलना चाह रहे थे, आदित्य, मिस्टर आदित्य, मास्टर आदित्य, अगर आपकी हैं तो आप बोल सकते हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। ठीक है सर, जो भी बोलना चाहें तो बोलें। कोई भी, कोई भी, अगर कोई, अभी हम 5 मिनट के लिए ओपन करते हैं, अगर कोई और भी विजेता कुछ अपने थॉट शेयर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन रेज योर हैंड सो दैट वी कैन कनेक्ट विद यू, अनम्यूट यू एंड देन यू कैन स्पीक। निश्चित आ जाइए आप, गुड आफ्टरनून सर। हां निश्चित बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, go ahead, please speak, you can tell where yes. you are from, कौन सी क्लास में हैं, क्या क्या आपके, yeah, 11th class sir, okay, अपना experience share करिए, I want to share my views, yes please, yes. Sir, first of all, happy World Environment Day. Sir, whenever we talk about Ganga, we say that she is our mother. We have to save it for ourselves and for the world. Sir, but after participating in the Ganga Quest, I came to know exactly the same ways to save our Ganga River. And sir, it is very good experience for me. And I request all the people of our country to collectively participate in the Ganga Quest for next time and help the NGOs in saving the Ganga River. Okay, thank you so much, Nishki. Ek Aditya bhi hai, jo kuch bolna cha rahe the. Aditya, Aditya ko koi photograph nahi hai shayad. Aditya, agar aap line pe hain, to please aap bol sakte hain, apne aap ko unmute karke. या अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं तो हम आपको देखते हैं, अनम्यूट कर देंगे। आदित्य,
इसके अलावा और जो भी पार्टिसिपेंट्स विनर्स इस पे हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, अनुषा किसे कुछ बोलना चाह रही थी सर? अनुषा बैक है ना, अनुषा है आगे What I wanted to express is that your team is when cooperative with whatever candidates want to ask. Mr. Rajan sir helped a lot to me. Actually, my account was twice registered and I called him so many times, but still he supported me to deactivate it, and whole Ganga team is supporting me. So I am very happy with this Ganga team cooperation and Mr. Rajan sir. Thank you, sir. Thank you so much. Ganga team is working a lot to reach people. I'm really happy with the support. Thank you, Anusha. Thank you so much. It means a lot. I'm 12 in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Chamarajanagar, Karnataka. Okay. First time I'm attending this class. I'm very happy and satisfied with the quality I got here and the knowledge I gained. Okay, thank you. We have one more participant who wants to speak. I think AR8B56 करके कुछ होगा. I think she has not written her name in the thing. Really, I thank a lot. Thank you, one and all. अभी इसी में मैं बोलूं तो सुन लेंगे फेसबुक वाले. गुड आफ्टरनून सर, मुद्दा शर्मा फ्रॉम जैनी. सर जो आप लोगों का मिशन है नेशनल मिशन फॉर क्लीन नंबर्स, ये बहुत ही अच्छा मिशन है सर. मैं इस मिशन में पूरा सपोर्ट करना चाहती हूँ और गंगा ट्रस्ट से मुझे बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला. मुझे जो आपका जो गंगा ट्रस्ट का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही सपोर्टिव रहा. मुझे से जो गंगा है उसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं यही चाहूंगी कि जो ये आपका मिशन है वो बहुत आगे तक जाए और इसमें मैं सबको पार्ट करने के लिए मोटिवेट करूंगी. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. अभी हमारे इस कार्यक्रम को फेसबुक पे भी लाइव काफी लोग देख रहे हैं, तो उन सब लोगों को भी विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं. और जैसा आप लोग भी सुन रहे हैं, इस अभियान के द्वारा हम काफी लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए हैं और आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गेट कनेक्टेड, रिमेन कनेक्टेड विद अस एंड हेल्प अस इन दिस टास्क विच इज ए रियली बिग टास्क. तो आप सब लोगों से भी अनुरोध है किसी तरह से हमसे जुड़े. जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि केवल ज्ञान की परीक्षा का ही नहीं था बल्कि लोगों को जोड़ने के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम था. तो और उसको दृष्टि में रखते हुए हम सबको इसमें जुड़ने की जरूरत है और जितने लोग जुड़ेंगे, कार्य इतना बड़ा है और कार्य इतना मुख्य है कि हम सबको इसके लिए जिम्मेदारी लेकर के आगे आने की जरूरत है. और हम इस तरह के प्लेटफॉर्म आप सब लोगों के लिए क्रिएट करते रहेंगे. और अभी तो हम और कुछ समय दे सकते हैं, अगर कुछ और लोग भी अपने सुझाव या अपना अनुभव बताना चाहते हैं तो हम वो जारी रखेंगे. सर एक और दीपेंद्र पटना डीपीओ नेहरू युवक केंद्र हेलो 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 सर आवाज आ रही है? हेलो सर, मैं दीपेंद्र डीपीओ पटना बोल रहा हूँ.
हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ वर्क करके और इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़ के, और साथ ही हम बहुत ही थैंकफुल हैं हमारे